संजय राउत ठाकरे तो नहीं है लेकिन ठाकरे से कम भी नहीं है। नौजवान उम्र में संजय राउत ने एक बार ठाकरे परिवार के घर मातोश्री में एंट्री मारी तो आज तक उन्हें कोई ना तो निकाल पाया ना किसी ठाकरे ने निकालने की सोची। पहले वो बाला साहेब की कलम जुबान बने, आज उद्धव ठाकरे के सबसे भरोसेमंद है। संजय राउत शिवसेना में नंबर 2 नेता है, सामना अखबार के संपादक हैं। संजय राउत का सामना में लिखा संपादकीय आज भी शिवसेना की पॉलिटिकल लाइन है, जिस पर ना तो कभी बाला साहेब ने सवाल किया ना उद्धव ठाकरे ने। संजय राउत का प्रोफेशन जर्नलिस्ट का है, राजनीति और पत्रकारिता का सुपर कॉम्बो है संजय राउत। शिवसेना में बहुत ऊंचा ओहदा होने के बाद भी संजय राउत ने लिखना नहीं छोड़ा। पत्रकारिता के पेशे में काम करने वाले या कर चुके लोगों को ये बात तो सीखनी ही चाहिए कि लिखना कभी मत छोड़ो। संजय राउत लिखते हैं तो शब्द उतने ही चुभते हैं जैसे कलम की नुकीली नीब, बोलते हैं तो बवाल मच जाता है। जो लोग 40 लोग वहां गए हैं वो सिर्फ शरीर उनका चल रहा है, बाकी तो उनका आत्मा मर गया है। ऐसे मरे हुए लोगों को क्या मुंबई में हम स्वागत करेंगे, वो तो सिर्फ जिंदा लाशें यहाँ आएगी। मराठी मानुष मराठी भाषी होकर भी संजय राउत हिंदी का इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि हेडलाइन बन जाती है। राजनीति में अनुप्रास अलंकार छंद का इस्तेमाल करने वाले नेता बहुत कम है। गुवाहाटी में क्या है, चौपाटी में आइए ना, विधान भवन के सामने ही चौपाटी है, आइए चौपाटी में। हिंदी के प्रतिष्ठित कवि दुष्यंत कुमार के जबरा फैन है, अक्सर देश समय काल और राजनीति से जोड़कर कुछ न कुछ ऐसा लिख जाते हैं जिससे दुष्यंत कुमार की याद आ जाया करती है। बाला साहेब का नाम हिंदुत्व का काम, शिवसेना ने राजनीति की जिस परंपरा की नींव रखी थी उस पर संजय राउत बिना डरे सहमे बढ़ रहे हैं। जब मौका आया तब मोदी की वंदना भी की, अब जबकि ईडी के नोटिस से वक्त खराब होने लगा है तब ललकारते हुए भी डर नहीं रहे हैं। आप इतनी भी कोशिश करो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपने मेरे खिलाफ ईडी लगाया सीबीआई लगाया, मैं जेल जाऊंगा ना, आप मुझे अरेस्ट कर सकते हो। बाला साहेब ठाकरे के रहते और उनके जाने के बाद शिवसेना में बगावत की पुरानी कई कहानियां हैं। छगन भुजबल, नारायण राणे, राज ठाकरे, एकनाथ शिंदे, संजय राउत का जिक्र हमेशा आता रहा। बागियों को कोसना, बगावत की आग में घी डालना संजय राउत ने अपना धर्म माना। उन्होंने कभी संकोच नहीं किया कि उनके अपने रिश्ते बगावत करने वालों से कैसे रहे हैं। ठाकरे वंशज राज ठाकरे इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। संजय राउत जब करियर में जर्नलिस्ट थे और मराठी अखबारों में क्राइम बीट पर काम करते थे तब वो राज ठाकरे के संपर्क में आए। तब राज ठाकरे का कद शिवसेना, ठाकरे परिवार और बाला साहेब ठाकरे के दरबार में उद्धव ठाकरे से भी ऊंचा था। राज ठाकरे बाला साहेब के वारिस माने जा रहे थे। राज ठाकरे के जरिए संजय राउत बाला साहेब तक पहुंच गए। उन दिनों बाला साहेब ठाकरे खुद को आक्रामक शिवसेना कट्टर हिंदुत्व का मसीहा बनने के मिशन पर थे। शिवसेना के मुखपत्र सामना में खुद तीखा लिखते भी थे और बोलते भी थे। संजय राउत और बाला साहेब के बीच यही तेवर कॉमन था। करीब 30 साल पहले 1991 में बाला साहेब ने सामना के संपादक अशोक पड़बिद्री के रिटायरमेंट के बाद संजय राउत को सामना का कार्यकारी संपादक बना दिया। संजय राउत को बाला साहेब संपादकीय विचारों का आइडिया देते थे, संजय राउत पूरा संपादकीय छाप डालते थे, ऐसे संपादकीय जिससे शायद ही बाला साहेब असहमत हो। संजय राउत की कलम बाला साहेब की कलम बन गई थी। संजय राउत सामना के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहे, मातोश्री तक पहुंच गए संजय राउत और यहीं से उनका जर्नलिज्म पॉलिटिकल होने लगा। विधानसभा या लोकसभा चुनाव वाली मेहनती राजनीति की बजाय उन्होंने साइड गली चुनी। 2004 में बाला साहेब ने संजय राउत को राज्यसभा सांसद बना दिया, तब से संजय राउत हर साल राज्यसभा पहुंच जाते हैं। अपने साथ साथ छोटे भाई सुनील राउत को भी शिवसेना में जमा रखा है। संजय राउत की निष्ठा की परीक्षा तब हुई जब 2005 में बाला साहेब ने भतीजे राज ठाकरे की जगह उद्धव ठाकरे को राजनीतिक विरासत सौंपी। संजय राउत ने बिना हिचक उस राज ठाकरे से मुंह मोड़ लिया जिनकी उंगली पकड़कर वो शिवसेना और ठाकरे परिवार में घुसे थे।
राज ठाकरे तो संजय राउत का जिक्र करते नहीं, लेकिन संजय राउत मौका मिलते ही राज ठाकरे पर हमले का मौका छोड़ते नहीं। संजय राउत जानते थे कि शिवसेना में टिकना है तो मुसलमानों के खिलाफ बोलना पड़ेगा। 2015 में संजय राउत ही थे जिन्होंने आवाज उठाई थी कि मुसलमानों का वोटिंग अधिकार छीन लेना चाहिए। 2018 में बोले कि हमने 17 मिनट में बाबरी तोड़ दी थी। राजनीतिक लड़ाई को बाप तक ले जाना भी उनको बेहद प्रिय है। पुराने शिवसैनिक नारायण राणे को धमकी दे चुके हैं कि ये मत भूलना कि हम आपके बाप हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे को भी राउत बाप वाली चेतावनी दे चुके हैं। नाम लेने की नौबत उनको उन पर आ रही है बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है। संजय राउत शिवसेना के लिए अब तक असेट है, लेकिन विरोधी खेमा उनको शिवसेना की लायबिलिटी साबित करने पर तुला है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का आरोप है कि संजय राउत शिवसेना को खत्म करने पर तुले हैं। शिवसेना के बागी और एकनाथ शिंदे के करीबी दीपक केसरकर ने हाल ही में कहा कि संजय राउत हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए तैयार हैं। संजय राउत का जर्नलिज्म और पॉलिटिक्स अब दोनों ही खतरे में है। संजय राउत पर ईडी का शिकंजा कस रहा है, जिसे राउत बीजेपी की साजिश कह रहे हैं। संजय राउत पर पात्राचौल लैंड स्कैम में करीब 1034 करोड़ के घोटाले का आरोप है। राउत के करीबी प्रवीण राउत की 9 करोड़ और संजय राउत की पत्नी वर्षा की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। संजय राउत कब तक रहेंगे शिवसेना के मुख्यालय की छांव में? कभी ना कभी तो जाना पड़ेगा ईडी के मुख्यालय में।